अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं हूँ कायनात, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अपनी न्यू रेमेडी के साथ फिर से आपको वेलकम करती हूँ। जी, आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने लगी हूँ, वो एक बहुत अच्छा टोटका है, बहुत अच्छी रेमेडी है, वो है सौंफ। सौंफ जो कि जिसके हैरान कुन तिब्बी फ़वाद हैं, और बहुत ज़्यादा इसके फ़वाद हैं, और आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे कि इसके कितने फ़वाद हैं। जी, सौंफ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें कि इसको खाना चाहिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सौंफ एक जड़ी बूटी है और ये जायके में खुशबू वाली होती है। सौंफ देखिए कलर वाली भी होती है, और एक जो होती है बिल्कुल डाउट कलर होती है, दोनों तरह की होती है, ठीक है। सौंफ जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये मुहासों को रोकने और खून को साफ करने का काम आती है। ये विटामिन सी और ख़ज़ाई रेशे का अच्छा ज़रिया है। इसके अलावा इसके और भी फ़वाद हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, आइए बताती हूँ आपको। सौंफ के फ़वाद दर्जा ज़ेल हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद, सौंफ के बीजों को चबाने से थोक में नाइट्रेट के मवाद में इजाफा होता है, जिससे ब्लड प्रेशर की सतह को बारे में पता चलता है। कि इसके अलावा सौंफ के बीज भी पोटाशियम का एक बहुत ही भरपूर जरिया है, और चूंकि पोटाशियम खुलियों और जिस्मानी सेल्स का एक लाजमी जुड़ है, लिहाजा ये आपके दिल की शरा और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जी नाजरी, सौंफ खाने के फ़ायदे देखें। जिन बुज़ुर्ग हजरात को ब्लड प्रेशर का मसला है, वो ज़रूर सौंफ खाया करें, ताकि वो अपनी सेहत को बरकरार रख सकें और अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को रूटीन से शामिल कर लें, ताकि वो अपनी इस बीमारी से निजात हासिल कर सके। और अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में देखें कितने फ़वाद रखे हैं। इसके अलावा सौंफ खून को पाक करने में बहुत मदद देता है, फाइबर हमारे जिस्म से जहरीला मादा निकालने में बहुत मुफीद समझे जाते हैं, इसी तरह खून को साफ करने में मदद मिलती है। आपकी ग़िज़ा में ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल करना बहुत ज़रूरी है जो आपके खून को साफ करने में मदद दें। सौंफ ये काम बखूबी सर अंजाम देती है, जिल्द को साफ करने में मदद बहुत मुफीद है। सौंफ जब मुस्तकिल बुनियाद पर आप खाई जाती है, आप मतलब तो वो जिस्म को जिंक और कैल्शियम जैसे कीमती मादियात मुहैया करते हैं। ये मादियात हारमोन्स को मतवाजन करने और ऑक्सीजन के तवाजन को बरकरार रखने में बहुत मददगार है। जब सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है तो जिल्द पर ठंडक का असर पड़ता है, लिहाजा उससे एक बख्श चमक मिलती है। उसके अलावा देखिए सौंफ के कितने फ़वाद हैं। सौंफ जो कि नींद के मियार में मदद, कुछ सराय तजवीज़ करते हैं कि सौंफ के बीजों में मौजूद कैल्शियम नींद के मियार और दुरानी को बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी कि कुछ लोगों को नींद का मसला होता है, नींद नहीं आती, और मतलब सोने की कोशिश भी करते हैं, नहीं सो पाते। तो व्यूअर्स, मेरी उनके लिए गुजारिश है कि इस रेमेडी को ज़रूर देखें और देखें कि सौंफ के कितने फ़वाद हैं, और सौंफ खा के वो अपने अंदर कितनी अच्छी मतलब फ़वाद हासिल कर सकते हैं हर तरह के, ठीक है। और इसके अलावा बदहज़मी में मदद मिलती है, जंक फूड हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, इनकी वजह से बदहज़मी के मसाइल हैं से हमें रोज़ वास्ता पड़ सकता है, इसलिए सौंफ के बीज चबाने से इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा सौंफ खून की कमी भी दूर करती है, और यह रंग अच्छा बेहतरीन जरिया है, और निज़ाम भी दुरुस्त रखती है। जी व्यूअर्स, आज की मेरी इस रेमेडी को आपने शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।